Hey folks, welcome back to my channel. So we are heading back towards Kargil. तो कहते हैं ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी ज़्यादा. तो वैसा ही कुछ हाल है यहाँ पे. रास्ते इतने सुंदर हैं, मतलब ले जाते जाते भी रास्ते इतने सुंदर हैं कि कहने की कोई बात नहीं. मज़ा तो मतलब सीनरी की होती जो मैंने फील किया ना, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन टू यू गाइस. तो रास्ता एडवेंचरस भी है और सीनरिक ब्यूटी भी है. मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर टू गो ऑन रॉयल एनफील्ड ओनली. बट हाँ, मतलब मुझे लगता है अगर स्पोर्ट्स बाइक, लोग बहुत BMW लेकर गए हैं वहाँ पे, मतलब KTM पे गए हैं, बाकी R15 पे गए हैं, बहुत सारी बाइक्स पे गए हैं. तो इट्स नॉट अ बिग डील. तो मज़ा तो हर जगह ही आने वाला है. किसी भी बाइक से चले जाओ, पहुंच तो आप जाओगे ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. बट यस, अगर कोई पिलर है ना पीछे, तो गाइस बाइक तो फिर मतलब बढ़िया CC वाली होनी चाहिए. 500 CC उठा लो, दिक्कत ही नहीं होगी. मतलब क्लासिक में मैंने बैग रखे हुए थे पीछे. आई वॉज़ हैविंग क्वाइट बिग बैग विद मी एंड मोर ओवर आई वॉज़ हैविंग लाइक 2-3 बैग्स. तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, क्योंकि जब इतने सारे बैग होंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, खिंच नहीं रही है, मज़ा नहीं आएगा. बाकी एक चीज़ और है, जैसे मेरी बाइक की दिक्कत ये हो गई थी कि बैटरी डेड हो गई थी बिकॉज ऑफ द चार्जिंग वाला वो क्या लगाया था मैंने, हाँ स्टैंड लगाया था चार्जिंग वाला, मोबाइल स्टैंड. तो मेरा डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया था उसने, बेवकूफ़ मैकेनिक ने. तो मेरी तो बैटरी डेड हो गई थी. तो वैसे कईयों की बाइक्स वाइक भी बहुत पंचर हुई है, इवन वहाँ पे गाड़ियाँ भी बहुत पंचर होती हैं. तो एडवाइजेबल तो यही है कि अपनी पंचर किट लेके जाओ व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अपनी बाइक से, सो दैट जस्ट कि एक टाइम पास के लिए यू विल बी एबल टू हेल्प योर बाइक. बिकॉज वहाँ पे कारगिल से आगे तो ले तक कुछ भी नहीं मिलेगा भैया. बीच में जो छोटी सिटीज आती हैं वहाँ पे एक मैकेनिक नहीं है. तो मैं तो बहुत खज्जल हुई थी. तो इट इज़ बेटर दैट तुम लोग तो हो ना, वो बहुत बेटर है. बाकी ज़रूरत तो नहीं है, बट इफ़ यू आर गोइंग, कहते हैं कि मनाली वाली साइड ना इन बिटवीन कोई नहीं आता, 250-300 किलोमीटर के बीच में कोई पेट्रोल पम्प नहीं है. आई हैव नॉट बीन देयर सो आई डोंट नो अबाउट इट. तो एडवाइस मतलब बेटर है कि जेरिकैन उठा लो, कितना ही भार होगा यार, बाइक नहीं उठाना है. तो इसीलिए एडवाइजेबल तो यही है कि बढ़िया CC वाली बाइक लेके जाओ. बाकी रही बात वहाँ जाने की, ले घूमने की, तो भैया ले तो आप घूम लोगे बड़े मज़े से, पर दिक्कत कहाँ आएगी नूबरा और पैंगोंग के लिए, क्योंकि वहाँ बिना पास के तो आपको जाने नहीं देंगे. तो बेस्ट यही है, यहाँ तो एक रात पहले, एक मतलब एक दिन पहले, जिस दिन जाना है उस दिन पहले कर लो. और अगर अर्ली मॉर्निंग निकलना है तो प्रेफरेबल तो यही है, एक दिन पहले करो. बट हाँ, अगर नेक्स्ट डे आपको निकलना है 11-12 बजे, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है. ऑनलाइन अप्लाई करना है पासेस के लिए तो ऑनलाइन अप्लाई कर दो, और अगर आपको DC ऑफिस जाके उठाने हैं तो आप वहाँ जाके उठा लो. तो कुछ चार्जेस रहते हैं, मतलब हम लोगों के कोई कुल 800-900 रुपये लगे थे शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो हमारे पास तो हमने ऑनलाइन ही अप्लाई करे थे. और कारदुंगला वगैरह वाली साइड से क्रॉस करने के बाद आपको चेक पोस्ट पे शो करने पड़ते हैं ना वहाँ पे पासेस. तो मेजरली सिर्फ वही एक स्पॉट है जहाँ पे आपका पास चेक होता है, उसके बाद आपका पास चेक नहीं होता है. बट स्टिल यू ऑलवेज हैव टू कैरी, क्योंकि वो वाला चेक पोस्ट क्रॉस करने के लिए भी आपको टाइम बहुत बर्बाद करना पड़ेगा. तो अगर नहीं होगा तो वो बोलेंगे यहीं करो. और द दिक्कत इज़ दिस दैट यू विल नॉट हैव एनी इंटरनेट देयर. तो अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी तो ऑफ कोर्स आप कर नहीं पाओगे. देन यू हैव टू कम ऑल द वे बैक फ्रॉम दैट चेक पोस्ट टू द ले सिटी. फिर ले आके करोगे अपना काम, ख़त्म करोगे फिर. तो बहुत ज़्यादा भार तो होगा नहीं. बट हाँ, एक चीज़ है, बट अगर वहाँ लोग होंगे ना तो दे आर गोइंग टू हेल्प, क्योंकि ले के लोग इतने अच्छे हैं ना, दे आर नॉट गोइंग टू हैव एनी सेकेंड थाट कि भैया हेल्प करें या ना करें. व्हेन माय बाइक गॉट स्टक वहाँ पे द लास्ट पेट्रोल पम्प टूवर्ड्स कारगिल,
टूवर्ड्स कारगिल टू लेह, वहाँ पर लास्ट पेट्रोल पम्प पर मेरी बाइक ख़राब हुई थी एंड एक अंकल थे उन्होंने बहुत हेल्प की। तो हम कोशिश कर रहे थे कि हिमालयन से हम क्लासिक खींच लें, बट दिक्कत ये हो गई कि क्लासिक पे बैग भी बहुत थे तो वो खींच भी नहीं रहा था। तो फिर एक अंकल थे वहाँ पे, हमने उनको बोला कि अंकल हमें ये होम मतलब हमने रूम लिया हुआ, अब वहाँ तक प्लीज़ अगर हो सके तो ड्रॉप कर दो। तो फिर उन अंकल ने हमारी हेल्प करी थी, उन्होंने अपनी गाड़ी लाई, टॉर्च वॉर्च लाई, क्योंकि वहाँ पर दिक्कत तो ये थी कि वहाँ पर कुछ था नहीं। तो उन्होंने हेल्प करी, हमारी गाड़ी लाई, हमारा सामान सारा उन्होंने रखा, मेरे को बिठाया। तो फिर हमें वो वहाँ उस होटल पे छोड़ के रूम पे छोड़ के आए, कैश थी नहीं हमारे पास, एटीएम पे पैसे नहीं थे, एटीएम बंद था। तो वहाँ पे फिर जो लेडी थी उनसे हमने बोला कि हम ना अंकल को ही गूगल पे कर देंगे तो अंकल विल पे यू कैश, तो वो भी मान गई। तो मतलब ठीक था, ओके ओके रहा, अच्छा हुआ कि मतलब बहुत बेटर रहा, अदरवाइज तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होने वाली थी, बहुत दिक्कत होने वाली थी। एनीवेज जो भी है, अगर ले को द लैंड ऑफ हाई पासिस बोलते हैं ना, तो ये एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना, कहीं के लिए अगर कोई चीज़ बोली जाती है तो वो एक्चुअली ट्रू होता है, बहुत कोई ना कोई सच्चाई होती है उसके अंदर, तभी उसके बारे में कोई बात की जाती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। एनीवेज अभी मैं चलती हूँ, आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अगर वीडियो लाइक अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, इफ़ यू फील लाइक कि सब्सक्राइब कर देना चाहिए तो कर देना यार, क्या ही जाता है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।